तो अभी हम पहुंच गए हैं पजलिंग वर्ल्ड, वानाका पजलिंग वर्ल्ड। तो ये एक तरह का इल्यूजन रूम्स हैं यहाँ पे 3D फ्लोर्स के साथ, और ये एक बिल्डिंग जो ऐसे लगता है कि गिर रही है, और इसके नीचे लोग कुछ फोटो पोजेस बिल्डिंग को संभालने वाले अभी हम लोग करते हैं। पहले अंदर चले जाएं और देखें क्या क्या है। आई थिंक खाली बस इल्यूजन रूम्स और मेज है, आउटडोर मेज जैसे भूल भुलैया हमारी इंडिया में होती थी। तो कैफे वगैरह है, अच्छा थोड़ा सा ब्रेक मिल जाएगा खाने पीने के लिए। तो चलो सबसे पहले टॉयलेट चलते हैं। यहाँ पे टॉयलेट भी एक अपने आप में अनोखी टॉयलेट है, रोमन स्टाइल। तो ये अच्छा पिकनिक एरिया भी बना हुआ है। तो ऐसे तो काफ़ी कुछ है घूमने को, जहाँ आ जाओ फैमिली के साथ आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो ये देखो टॉयलेट। यस ये क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हैं ये सब क्या कर रहे हैं? आप बताओ अभी हम टॉयलेट कर रहे हैं। तो ये पता नहीं चलता कि कहाँ पे वॉल है और कहाँ पे फ्लोर। ये टॉयलेट पे बैठा हुआ है, बट इट्स अ पेंटिंग। वो भी बैठे हैं। हाँ, इट लुक्स लाइक रियल, पर ये पेंटिंग है। हाँ, पेंटिंग है। और इसकी फ्लोर और जो वॉल है वो उसमें डिफरेंस नहीं पता चलता है ना? है ना? हाँ। Jelly beans. Coins. यहाँ पे क्या? पुप्पू करना आपको? कैसे? ये देखिए, ये लूप में है। ओके, स्टेयरकेस में लोग चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हाँ, पता नहीं चल रहा। ओके, नेवर एंडिंग स्टेयरकेस है। उतरने वाले को देखो तो लगता है कि उतरने वाला स्टेयरकेस है। देखो नीचे है, एक्चुअली देखो तो स्टेयर के साथ बना हुआ नीचे है। हाँ। सब नीचे लेकिन फिर नीचे जा रहे हैं, फिर भी नेवर एंडिंग है। ये देखो ना, एक हाथ दूसरे को पकड़ रहा है और ड्रॉ कर रहा है, ये इसको ड्रॉ कर रहा है, ऑटो स्टेयर ड्रॉ एंड ड्रॉ वन अदर इनटू एग्जिस्टेंस, ये इसको कर रहा है
वो उसको ड्रॉ कर रहा है ऐसा कुछ। हाँ हाँ ये पेंसिल है ना, या तो ये हाथ इसको ड्रॉ कर रहा है या ये हाथ इसको ड्रॉ कर रहा है, बताओ। मतलब बर्ड्स देखो ना, ऐसा लगता है इधर जा रहे हैं, फिर ये देखो इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। ते ए द बेटा, हां मतलब 3D पेंटिंग्स हो गई ना। One, two, आप जिस तरह से देखना चाहो देख सकते हो। द आर्किटेक्चर ऑफ स्पेन आफ्टर सेटलिंग इन हॉलैंड विद हिज वाइफ एंड 3 सन्स इन 1941, एशर बिकेम मोर एंड मोर इंटरेस्टेड इन स्पेस, इल्यूजन एंड मैथमेटिक्स। He studied these subjects and created the work he is best known for, exploring impossible worlds, repeating patterns, and reality bending shapes. These concepts interested him so much that he created artwork based on these themes. Even after his death in 1972, Escher's work and ideas continue to excite and inspire people all over the world. His artwork can be seen in attractions, books, posters on television and in movies. Isne create kiya, basically 3D art ka invention isne kiya. उसके बाद हमें वो 3D चीजें नजर आने लगी हैं टीवी में, मूवीज में, पोस्टर्स में। हाँ, 1898 में बॉर्न था नीदरलैंड्स में, नीदरलैंड्स में, और फिर 72 में इसकी डेथ हो गई, तो इसकी आत्मा मेरे अंदर आ गई जब मैं पैदा हुई 72 में। अच्छा अच्छा, हो सकता है बेटा Landsborough's Puzzling World is a tourist attraction just before you enter Wanaka town. और 1973 में ये सिर्फ एक मंजिला मेज होती थी, लेकिन फिर अभी आजकल तो अवार्ड विनिंग ऑप्टिकल illusions है यहाँ पे, illusion rooms, puzzle centers और मेज, ये सब आपके दिमाग का दही करने के लिए काफी है। और बाहर में आपको काफी खूबसूरत नजारे मिलेंगे। और ये 2013 में पजलिंग वर्ल्ड ने कम से कम 3 मिलियन विजिटर्स को अटेंड किया। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास क्लिपिंग नहीं है ये टिल्टेड हाउस का जो फन है, जिसकी वजह से पजलिंग वर्ल्ड फेमस है, बट मे बी नेक्स्ट टाइम।
टावर ऑफ वानाका न्यूजीलैंड. दिस इज अ लीनिंग टावर. इट जस्ट गिव्स दैट इल्यूजन दैट इट्स फॉलोइंग ऑन द फ्लोर. And my mom and Masi, now they are going to make it straight. Make it straight, mummy. Make it straight. कर दी सीधी बिल्डिंग. बिल्डिंग सीधी नहीं करी अभी तक आपने. पुश करो अच्छे से, पुश करो, सीधा करो बिल्डिंग को, गिरी हुई बिल्डिंग को सीधा करो. आंटी हिल रही है क्या बिल्डिंग? अच्छा सीधा करो, फिर सीधा कर दो, फिर तो आराम से हो जाएगी आपसे सीधा. एक हल्का सा हाथ मारो, वहां सीधी हो जाएगी. कई सालों तक पजलिंग वर्ल्ड के ऑपरेटर्स ने एक चैलेंज किया कि जो कोई ये क्लेम करे कि उसके पास साइकी पावर्स है, तो वो उसको एक तरह का चैलेंज देंगे जिसमें उन्हें यहाँ पर रखा हुआ एक स्पेसिफिक लेटर, एक स्पेसिफिक जगह पे रखा होगा, जो शायद मेज वगैरह में, तो वो उसे ढूंढना होगा. और लगभग 50,000 न्यूजीलैंड डॉलर्स तक का अवार्ड मनी था. अब साइकी पावर्स का तो पता नहीं, पर साइको चैलेंज अगर होता तो शायद हम जरूर विन कर लेते. इस वंडरफुल वियर्डनेस प्लेस में पहुंचने के लिए क्वींसटाउन से हमने 1 से 1.25 घंटे का सफर तय किया, अप्रोक्सीमेटली 67 किलोमीटर का डिस्टेंस. टू रीच हियर देर आर टू वेज, one via the Crown Range Road and Cardona Road. But if you are scared of driving on a steep hill, then avoid taking that route and instead take a longer route but straight route. यहाँ पे कुछ अजीब अजीब से प्राणी आपको योगा करते हुए नजर आएंगे, पर ये योगा के पोजेस नहीं है, ये फोटोज लेने के लिए कुछ वियर्डनेस है, जैसे कुछ स्टाइल में कि बिल्डिंग आपकी फिंगर टिप्स पे है या फिर आप लेट कर बिल्डिंग को पुश कर रहे हैं. तो इस तरह के काफ़ी 6-7 पोजेस के बारे में वहाँ लिखा भी हुआ था. तो काफ़ी ग्राउंड में लोग पागलों के जैसे इधर उधर लेटे हुए नजर आए.
I've reached Vanaka now. What a beautiful, spectacular view. बस दो दिन रह गए अब ट्रिप में और काफ़ी अच्छा ट्रिप रहा. बहुत खूबसूरती देखी साउथ आइलैंड की. एंड थैंक्स टू जॉली गुड टूअर्स फॉर मेकिंग दिस ट्रिप ब्यूटिफुल मेमोरेबल ट्रिप. एवरीथिंग वेंट स्मूथली. ऑल द अरेंजमेंट्स वर डन वेरी ब्यूटिफुली. जॉली गुड टूअर्स ने काफ़ी अच्छी अरेंजमेंट्स कर दी और जहाँ जहाँ मैं ड्राइविंग के लिए कॉन्फिडेंट थी उन्होंने मुझे ऑप्शंस दिया कि मैं ड्राइविंग करके जा सकती हूँ टू सेव सम मनी. और जहाँ पे काफ़ी वाइंडी रूट्स हैं थोड़ा मुश्किल हो जाता है बिकॉज एनजेड रोड्स आर डिफरेंट. तो उन्होंने मुझे जो यहाँ पे कोचेज और क्रूजेज सब अवेलेबल करा दिए. सो फाइनली माई ट्रिप विल बी कमिंग टू एन एंड इन 2 days टाइम. वनाका लेक के सामने ऐसे रिलैक्स करना धूप के धूप में बैठना. वी हैव कम क्लोज टू द नेचर है ना. न्यूजीलैंड की यही तो ब्यूटी है कि क्रिस्टल क्लियर वाटर के पास नेचर की इस ब्यूटी को निहारना रिलैक्स मोड में. कोई जल्दी नहीं है. तो प्रीति कैसा लगा ट्रिप तेरे को वनाका का और क्वींसटाउन का? You're enjoying it? Yes, very much. Vanaka is a gateway to Mount Aspiring National Park too, and tourist activities jaise ki hiking, mountain biking, mountaineering, rock climbing, fishing, paragliding, kayaking, rafting, jet boating, water sports, water skiing, sailing, you name it and you can do it here. Vanaka aap kisi bhi season mein aa sakte hain, chahe wo summers ho ya winters. यहाँ पे आपको विंटर्स में स्कीइंग और समर्स में काफ़ी अच्छा वेदर मिलेगा. ट्रेबल कोन, कार्डोना एल्पाइन रिजॉर्ट, स्नो पार्क और स्नो फार्म आपको स्कीइंग के फेमस एरियाज हैं जहाँ आप जा सकते हैं. और वनाका की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी पिछले 10-15 सालों में ऑलमोस्ट 50% इंक्रीज हुई है. यहाँ पे काफ़ी इंटरनेशनल लाइक हॉलीवुड मूवीज़ की भी शूटिंग हुई है जैसे कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, हॉबिट और भी कई. इसको बाय द वे 1940 से पहले पेम्ब्रोक के नाम से जाना जाता था. वनाका लेक ओटागो रीजन का पॉपुलर स्कीइंग एरिया भी है. समर्स में समर रिजॉर्ट, टाउन टू रिलैक्स, हैव अ बारबेक्यू, कैंपिंग इन कैंपर्स वैन, साइकिलिंग, outdoor recreation and family picnics. This beautiful town will showcase the real Kiwi life to its visitors. लेक पे रिलैक्स करने के बाद यहाँ की फेमस शॉप पैटागोनिया से हम लोग हॉट चॉकलेट और पेस्ट्रीज और कॉफ़ी सब खा पी कर हमने फिर क्वींसटाउन की तरफ रुख किया क्योंकि अगले दिन फिर हमें जाना था ग्लेनोर्की जो कि यहाँ की सबसे खूबसूरत जगह है.
Shout out time. Anju Narula, thank you. Check out my life in Auckland in my weekend video logs. You click the red button subscribe and you go into my MM tribe. Come out of the shell, ring that bell. Hindi mein bole to ghanta baja dena, taki main aap logon ke dimag ki baja sakun.